हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में बंगाल के उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट कंफर्म करेंगे। बंगाल की सीटों पर ही बीजेपी इस वक्त माथापच्ची कर रही है। 294 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बाद नरेंद्र मोदी खुद मैदान में उतरेंगे। मोदी की रैलियों की तारीख तय हो गई है, लेकिन ग्राउंड पर क्या चल रहा है? क्या वोटर का मूड 24 घंटे में बदल गया है? सोशल मीडिया पर मोदी को देखा जा रहा है या दीदी की चर्चा है? किसकी हवा सबसे तेज चल रही है? ये जानने के लिए हमने साइंटिफिक तरीके से एक नया प्रयोग किया है। बंगाली वोटर के मोबाइल पर दीदी को देखा जा रहा है या मोदी को सुना जा रहा है, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी देखिए इस रिपोर्ट में। शुक्रवार दोपहर 12 बजे, शुक्रवार शाम 7 बजे, शुक्रवार रात 9:15 बजे मोदी की इन तीन तस्वीरों से एक बड़ा मैसेज गया है। तो क्या सिर्फ 24 घंटे में मोदी ने बंगाल चुनाव का सारा समीकरण बदल दिया है? क्या मोदी ने खेला कर दिया है? शुक्रवार शाम 7 बजे जब दीदी व्हील चेयर पर बैठकर हॉस्पिटल से बाहर निकली, उस वक्त देश क्या सर्च कर रहा था? बंगाल के वोटर्स गूगल सर्च में दीदी को ढूंढ रहे थे या मोदी लिख रहे थे? गूगल ट्रेंड्स का डेटा क्या कहता है? इंटरनेट पर मोदी की कितनी चर्चा है? ममता का कितना जिक्र है? बंगाल को लेकर क्या मूड है? शनिवार को वर्चुअल वर्ल्ड में मोदी को कितने नंबर मिले? ममता कितने नंबर पर अटकी? डेटा क्या कहता है? आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं? बंगाल चुनाव के लिए मोदी का टाइम टेबल आ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी 18 मार्च को पुरुलिया से चुनावी रैली का बिगुल बजाएंगे, 20 मार्च को खड़गपुर जाएंगे, 21 मार्च को बांकुरा पहुंचेंगे, 24 मार्च को कांठी में होंगे, 1 अप्रैल को मोदी का डेस्टिनेशन होगा मथुरापुर और उलुबेरिया, और 3 अप्रैल को मोदी आराम बाग में मोर्चा संभालेंगे। इसलिए आज ये समझना जरूरी है कि इंटरनेट की दुनिया से ग्राउंड जीरो तक लेटेस्ट सिचुएशन क्या है, पब्लिक का मूड क्या कह रहा है। इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ने गली गली चौराहे चौराहे जाकर पूरी पड़ताल की है। सबसे पहले इंटरनेट की ग्राउंड रियलिटी देखिए। हमें पिछले 24 घंटे की कुछ दिलचस्प जानकारियां मिली हैं। गूगल ट्रेंड्स के आंकड़ों से पता चलता है कि बंगाल चुनाव से पहले मोदी ने दीदी पर पकड़ मजबूत कर ली है। पिछले 24 घंटों में गूगल पर मोदी, बंगाल और ममता से जुड़ी चीजों को तेजी से सर्च किया गया, और मजेदार बात यह है कि असम, पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु में भी बंगाल और मोदी ट्रेंड करते दिखे। पिछले 24 घंटों के आंकड़े के मुताबिक पुडुचेरी में मोदी को सर्च करने का इंटरेस्ट ओवर टाइम का औसत 64% था और बंगाल का औसत 36% था। तमिलनाडु में यह आंकड़ा 65% और 35% था। असम में मोदी, ममता और बंगाल से जुड़ी खबरों का इंटरनेट ओवर टाइम 45% था और बंगाल का परसेंटेज 55% था। इस आंकड़े से यह पता चलता है कि चुनाव भले ही 5 राज्यों में हो, लेकिन 4 राज्यों में रहने वाले लोगों की नजर भी बंगाल चुनाव पर ही टिकी है। जब हमने पिछले 24 घंटे में गूगल ट्रेंड्स पर नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल और ममता बनर्जी का एक तुलनात्मक अध्ययन किया, तो एक दिलचस्प बात पता चली। इस दौरान मोदी का औसत इंटरेस्ट ओवर टाइम 48 था, बंगाल का 76 था, जबकि ममता का सिर्फ 18 था। यानी ममता से ज्यादा मोदी से जुड़ी चीजें सर्च हुई। चुनावी घमासान में कूदने के लिए ममता शुक्रवार शाम 7 बजे हॉस्पिटल से निकल गए, मगर जब ममता व्हील चेयर पर निकली, उस वक्त के गूगल ट्रेंड्स के आंकड़े शुभ संकेत नहीं दे रहे। शुक्रवार शाम 7 बजे गूगल ट्रेंड्स पर मोदी का नंबर था 76, बंगाल का नंबर था 69, जबकि उस दौरान गूगल पर ममता बनर्जी का इंटरेस्ट ओवर टाइम था सिर्फ 23। मोदी ने शुक्रवार शाम 7 बजे से ही क्वाड को संबोधित करना शुरू किया। उस वक्त के गूगल डेटा के मुताबिक भारत में क्वाड से ज्यादा मोदी सर्च किया जा रहा था। इस दौरान मोदी को 100 में से 76 नंबर मिले, जबकि क्वाड को लेकर इंटरस्टेट ओवरटाइम सिर्फ 6 था। इसी टाइम पीरियड में जब हमने ममता बनर्जी को ऐड किया, तो यहां भी दीदी मोदी से पीछे ही थी। मोदी 76 पर थे और ममता 23 पर थी। शुक्रवार को जिस वक्त मोदी ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त गूगल ट्रेंड्स पर मोदी
मोदी को 100 में से 100 नंबर मिले। जब हमने इसी पैमाने पर मोदी और ममता की तुलना की तो पता चला कि शुक्रवार रात 8:45 बजे गूगल ट्रेंड्स पर मोदी 87 पर थे और ममता सिर्फ 20 पर थी। शनिवार को भी यही ट्रेंड देखने को मिला। गूगल की दुनिया में लड़ाई एक तरफा दिखी। शनिवार को मोदी का एवरेज स्कोर 67 था जबकि ममता का औसत स्कोर 22 था। जब हमने रीजन वाइज डेटा देखा तो पश्चिम बंगाल में दीदी ने 56% के साथ थोड़ी बढ़त बना रखी थी और मोदी 44% पर थे जबकि दीदी को उनके टर्फ पर भी टक्कर मिल रही थी। यानी इलाका दीदी का मगर गूंज मोदी की। पश्चिम बंगाल की जमीन पर मोदी की कितनी लहर है, कितनी हलचल है, ये देखने सुनने से पहले आपको ये समझना होगा कि ट्विटर से लेकर गूगल ट्रेंड्स तक बंगाल चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर मोदी ने बढ़त कैसे बना रखी है। मोदी ने शनिवार को बंगाल चुनाव के लिए एक नया हैशटैग दिया और ये हैशटैग था बांग्ला चाय बीजेपी मॉडल, यानी बंगाल बीजेपी मॉडल चाहता है। इस हैशटैग के पीछे भी एक कहानी है मगर वो जानने से पहले देखिए मोदी ने अपने ट्वीट में बंगाल के वोटर्स को क्या मैसेज दिया। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो सुशासन का पर्याय बन चुकी है। पार्टी का बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड बताते हैं कि भाजपा ही बंगाल को विकास के पथ पर ले जा सकती है। जैसे ही मोदी ने बांग्ला चाय बीजेपी मॉडल वाला हैशटैग दिया, सोशल मीडिया एक्टिव हो गया, प्रतिक्रियाएं आने लगी, ट्वीट्स होने लगे, ट्रेंड्स देखने लगे। बात साफ है, बंगाल में चुनावी लड़ाई के दो केंद्र हैं। एक सियासी लड़ाई जमीन पर लड़ी जा रही है और दूसरी सियासी लड़ाई इंटरनेट पर भी जारी है। नॉनस्टॉप कैंपेन वॉर हो रहा है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने नारा दिया, बांग्ला निजेर में केई चाय, यानी बंगाल अपनी ही बेटी को चाहता है। इसी के जवाब में शनिवार को मोदी ने काउंटर अटैक करते हुए नया स्लोगन बांग्ला चाय बीजेपी मॉडल दिया। इससे पहले टीएमसी के बंगाल को चाहिए अपनी बेटी के जवाब में दीदी से बंगाल की जनता चाहती है मुक्ति जैसे हैशटैग खूब चलाए गए। बीजेपी के इस हैशटैग को टीएमसी के मुकाबले 4 गुना ज्यादा समर्थकों का साथ मिला। बीजेपी के इस हैशटैग पर कुल 2,37,967 ट्वीट आए। इसके अलावा टीएमसी ने कुछ वीडियो जारी करके एक खास कैंपेन भी लॉन्च किया था जिसके जवाब में बीजेपी ने पीसी जाओ यानी बुआ जाओ गाने के टाइटल वाला वीडियो जारी करके पलटवार किया। फिलहाल दीदी के कैंप में खेला होबे का शोर है। ममता की चोट के बहाने पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है मगर जब इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने कोलकाता की सड़कों पर लोगों से पूछा कि क्या दीदी की व्हील चेयर इस बार उन्हें बंगाल की सत्ता दिलाएगी तो जवाब से एक चीज क्लियर हो गई, इस बार टक्कर में मोदी फ्रंट फुट पर है। दादा बंगाल में अभी मोदी आएगा, ठीक है, 2021 में मोदी आएगा। इतना घोटाला के बाद दीदी का कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो ये चुनावी ये व्हीलचेयर फार्मूला काम आएगा? व्हीलचेयर वो एक सिंपैथी वोट है, ठीक है। और जो अफवाह जो फैलाया गया, मान लीजिए बीजेपी की तरफ से जो अटैक हुआ, अटैक तो अभी तक कोई प्रूव नहीं हुआ ना, तो उनका एक्सीडेंट का जो फार्मूला जो काम करवा रहा है, दीदी एकदम नहीं आएगा 21 में, पक्का मोदी जी आएगा। व्हीलचेयर का फार्मूला आपको लग रहा है काम आएगा? नहीं, काम नहीं आएगा। क्यों, क्या बताऊं, मुंह घूम गया है मोदी जी की तरफ। सोशल मीडिया की दुनिया में जो बातें होती हैं, उसका असर ग्राउंड जीरो पर भी दिखाई देता है। कोलकाता से आए कुछ रिएक्शन आपने देख लिए मगर इंडियन टीवी संवाददाता पवन नारा उस लोकेशन पर पहुंचे जहां 18 मार्च से मोदी चुनावी जंग का औपचारिक आगाज करेंगे, यानी पुरुलिया। ये वही पुरुलिया है जिसने 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी को झोली भरकर वोट दिया था मगर क्या इस बार विधानसभा चुनाव में बंगाल के वोटर्स मोदी की झोली वोटों से भरेंगे? इसका जवाब आप खुद कैमरे पर सुन लीजिए। हमारे साथ सबसे पहले यंग वोटर्स हैं, उनसे जरा जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव हैं, क्या लग रहा है आपको? पिछली बार तो यहाँ मोदी जी का जलवा रहा था, 2019 में लोकसभा सीट भी जीती थी, अब की बार मोदी और ममता में से क्या चुनेंगे? मोदी क्यों? उसका हर काम अच्छा लगता है, जो करता है पब्लिक के लिए बहुत सही है, बस और क्या। जो लोकसभा में जीत मिली थी वैसी कुछ जीत यहाँ विधानसभा में दिखेगी? उससे तो अच्छा लग रहा है कि उससे बड़ा जीत होगा इस बार। बड़ा जीत होगा इस बार।
आपको क्या लगता है? मोदी का की मोदी मोदी क्यों? वो जो काम सब करता है सब कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि वो जो सेना के लिए बहुत ज्यादा कुछ करता है, इसीलिए प्राउड फील होता है। अच्छा, प्राउड फील होता है, फीलिंग वाली बात है। अभी तो मोदी जी जीतेगा। मोदी जीतेगा तो मोदी जी के नाम पे ही वोट पड़ रहे हैं या विधायक का नाम भी देखेंगे? अभी कुछ कह नहीं सकता है, मोदी जी देखेगा, ममता जी देखेगा। हाँ, ठीक है, लेकिन चांसेस ज्यादा है। सेंट्रल के लिए मोदी ठीक है और यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ थोड़ा बदलाव हो। अच्छा, मोदी और ममता दोनों आएंगे तो किसके वोट का ज्यादा असर, अपील का असर होगा? अब देखिए, अब ये तो कहना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी दोनों पुरुलिया में अगले 2-3 दिन में रैली करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 तारीख को होंगे, जबकि ममता दीदी का प्रोग्राम आना बाकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ममता दीदी जब यहाँ प्रोग्राम में होंगी तो उस वक्त व्हील चेयर पर होंगी, उसका कितना इमोशनल असर होगा ये देखना भी बड़ी बात होगी। यानी गूगल ट्रेंड से लेकर हैशटैग की दुनिया तक, ग्राउंड जीरो से लेकर पब्लिक ओपिनियन तक, बंगाल में असली परिवर्तन वाली हवा चल रही है। हवा का रुख मोदी की तरफ है, मगर सियासी घमासान में कुछ भी संभव है। दीदी कमजोर खिलाड़ी नहीं है, इसलिए बंगाल के चुनाव में कोई भी पार्टी किसी दूसरी पार्टी को हल्के में लेने की भूल नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री मोदी की अगली रैली पुरुलिया में है, लेकिन इस वक्त पुरुलिया में कोयला घोटाले की चर्चा है। आज एक आरोपी गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन घोटाले का मास्टरमाइंड फरार है। बंगाल का कोयला घोटाला क्या है, घोटाले की जांच और आंच कहां कहां तक पहुंच रही है, 10 मिनट में कोयला घोटाले की पूरी फाइल पढ़ लीजिए। लाला और कोयला घोटाला। कोलकाता से 250 किलोमीटर दूर पुरुलिया में अभी इन्हीं पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। पुरुलिया के अनूप मांझी उर्फ लाला ने कोयले की तस्करी करके करोड़ों का साम्राज्य बना लिया और लाला के संबंध ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जुड़ते हैं। यानी बंगाल में इस समय लाला के नाम से चुनावी बवंडर चल रहा है। शुक्रवार को इस मामले में बंगाल की सीआईडी ने लाला के करीबी रणबीर सिंह को गिरफ्तार किया है। लाला फरार हो चुका है, लेकिन लाला के ये साथी अब कोयला घोटाले के बारे में बड़े खुलासे कर सकता है। इस समय सीआईडी और सीबीआई दोनों ही लाला की खोज कर रहे हैं और सीआईडी सीबीआई दोनों ही जांच एजेंसियों की गिरफ्त से लाला फरार चल रहा है, लेकिन सीआईडी ने लाला के सबसे करीबी रणबीर सिंह को अपनी गिरफ्त में लिया है, जो लाला के तमाम धंधे और लोकेशन की जानकारी दे सकता है। आप सबसे पहले समझिए कि ये लाला कौन है और मछली बेचने वाले इस शख्स ने करोड़ों की संपत्ति कैसे इकट्ठा की। अनूप मांझी उर्फ लाला पुरुलिया के ही भामुरिया गांव का रहने वाला है। कोल माफिया बनने से पहले अनूप लाला साइकिल पर घूम घूम कर मछलियां बेचा करता था। अनूप लाला के पुरुलिया इलाके का सबसे रईस कोल माफिया बनने की कहानी अगर आप समझना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके घर की इस कच्ची दीवार वाली तस्वीर को देखिए। लाला के गांव में मिट्टी की दीवारों वाला एक पुराना मकान भी है और उसके करीब ही एक बड़ा घर भी बन गया है। ये तस्वीर लाला की तरक्की की सुपर फास्ट रफ्तार दिखा रही है। बताया जाता है कि कोलकाता में भी लाला ने एक बड़ा बंगला खरीदा है। आरोप है कि लाला ने बंगाल और झारखंड की सीमा पर कोयले की तस्करी का एक अवैध साम्राज्य बना लिया। ईसीएल यानी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से अवैध खनन और कोयले की चोरी करके उसने करोड़ों की कमाई की। आरोप है कि इस चोरी में उसे ईसीएल के अधिकारियों ने भी पूरी मदद की। कोयला चोरी करने में दिक्कत ना हो, इसके लिए लाला ने कई बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं को फंडिंग भी की है। कोयला तस्करी के लिए लाला ने बंगाल में मवेशियों की तस्करी करने वाले गैंग का भी इस्तेमाल किया। शायद इसी वजह से इतने सालों तक यह अवैध धंधा बिना किसी दिक्कत के चलता रहा और लाला ने इतने लोगों को फायदा पहुंचा दिया है कि नेताओं से लेकर आम आदमी तक कोई भी उसके खिलाफ एक शब्द नहीं कहता है। आरोप है कि कोल माइंस में अवैध खनन और कोयला तस्करी कराने के लिए अभिषेक बनर्जी प्रोटेक्शन मनी लेते थे और उन्हीं के इशारे पर पश्चिम बंगाल पुलिस इस अवैध कारोबार की ओर से आंखें बंद करके रखती थी। इस मामले में एक और नाम टीएमसी यूथ विंग के लीडर विनय मिश्रा का है। उन्हें अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है। आरोप है कि विनय मिश्रा ही अभिषेक बनर्जी और अनूप मांझी के बीच लिंक का काम करता था। विनय मिश्रा 2013 में पायरे भातीजा को जुबा का प्रेसिडेंट बनाया था। वो जुबा कमेटी में उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट था। 2020 का 24 जुलाई टीएमसी ने जब कमेटी बनाया
यूथ कमिटी में तृणमूल यूथ कांग्रेस, उसका सेवेंथ जनरल सेक्रेटरी वो बिनोय मिश्रा है। आप स्टेट गवर्नमेंट डायमंड हार्बर पुलिस डिस्ट्रिक्ट से 6 पुलिस कांस्टेबल विद आर्म्स उसको अलॉट किया उसका पर्सनल सिक्योरिटी के लिए। वो बंगाल का एक मशहूर युवा नेता है और भतीजा का क्लोज है, अभी वो फरार है, उसका लुकआउट नोटिस इशू क्या है सीबीआई और वो शायद दुबई में छुपा हुआ है। अनूप मांझी उर्फ लाला और विनय मिश्रा दोनों फरार हैं। फिलहाल सीबीआई का पूरा फोकस अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर पर टिका हुआ है। मेनका गंभीर के पति अंकुश और ससुर पवन अरोड़ा को सीबीआई ने जांच के लिए नोटिस दिया है। दोनों को 15 मार्च को कलकत्ता में सीबीआई के सामने पेश होना है। असल में मेनका गंभीर से पूछताछ के बाद ही इन दोनों का नाम सामने आया था। ये कहा जा सकता है कि सीबीआई की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले महीने सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी रोजिरा बनर्जी और रोजिरा की बहन मेनका गंभीर से पूछताछ की थी। आरोप है कि सीबीआई को अभिषेक बनर्जी के करीबी विनय मिश्रा की डायरी से कुछ अहम जानकारियां मिली हैं और सीबीआई उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का पता लगाने की कोशिश में है जो अनूप मांझी उर्फ लाला और रोजिरा बनर्जी के बीच हुए। कोयला घोटाले में बीजेपी ने सीबीआई को जो शिकायत दी है उसमें रोजिरा बनर्जी का नाम है। सोच समझ के उसकी वाइफ के अकाउंट में टाका ट्रांसफर किया, इसलिए उसका वाइफ मैडम नरेला एनआरआई है। किसने ट्रांसफर किया? ओ लाला कोल माफिया ने। किसकी इशारा पर? सबको मालूम है, समझदार का तो इशारा ही काफी है। लाला का साथ पुलिस है या तोलाबाज भाईपो है, इसलिए लाला कोल माफियागिरी सेंड माफियागिरी सब करता है और जानबूझ के एनआरआई का अकाउंट में यहाँ से रुपया ट्रांसफर हुआ नीरज सिंह का मीडियम माध्यम से। अच्छा, और ये नीरज सिंह कौन है इनके बारे में? जांच एजेंसी का मामला है। नहीं साहब, सब एक ही रैकेट है। अभिषेक बनर्जी टीएमसी के युवा विंग के अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपनी पार्टी में विनय मिश्रा समेत 15 युवाओं को महासचिव बनाया था। सितंबर 2020 में कोयला घोटाले की जांच शुरू हुई थी, तभी से बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर इस घोटाले में शामिल होने के आरोप लगाती रही है। इस घोटाले के मास्टरमाइंड लाला से अभिषेक बनर्जी का नाम जोड़ने के बाद बीजेपी के लिए काम आसान हो गया है। दीदी और उनके साथियों की नींद उड़ी हुई है, तभी तो ये लोग कह रहे हैं इस बार खेला होवे। वाकई ये लोग तो अनुभवी खिलाड़ी है, ये खूब खेलना जानते हैं, इन्होंने खूब खेला भी है। कौन से खेल बाकी छोड़ा है आपने? कितने ही घोटाले करके बंगाल के गरीबों को लूटा गया है, बंगाल की संपदा को लूटा गया है, आपने क्या बाकी छोड़ा है? पुरुलिया और आसपास के बांकुरा और वेस्ट और ईस्ट मिदनापुर जिलों में लाला और कोयला घोटाले का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। इसकी मदद से बीजेपी को अभिषेक बनर्जी के साथ ममता बनर्जी पर भी निशाना लगाने का मौका मिल गया और अब चुनावी चर्चा ये भी है कि क्या यही मुद्दा दीदी की हार की वजह बनेगा। इस वक्त बीजेपी के दफ्तर में असम से लेकर बंगाल तक की लिस्ट फाइनल हो रही है और खबर है कि बीजेपी ने असम में 20 उम्मीदवारों की लिस्ट तय कर दी है। लेकिन असम और पश्चिम बंगाल में एंटी मोदी प्रयोग भी चल रहा है और इसमें सबसे ज्यादा एक्टिव है मौलाना। कितने मौलाना कहां कहां एक्टिव हुए हैं देखिए। मोदी जी ये सपना मत देखिए, आपका सपना झूठा हो जाएगा। आज जो तुम्हें शहर बदर करने की साजिशें रची जा रही हैं, आज जो तुम्हारी आबरूएं लूटी जा रही हैं, पहले छोटे छोटे बच्चे मोबाइल व्हाट्सएप और ट्विटर पर मोटू और पतलू का तमाशा देखते थे, आज पूरा हिंदुस्तान मोटू और पतलू का तमाशा देख रहा है। असम से बंगाल तक मौलानाओं के वीडियो वायरल हैं
वोटिंग के ठीक पहले 5 मौलानाओं के हेट टेप लोगों के मोबाइल पर तैर रहे हैं। मौलानाओं की जुबान बहुत तीखी है और निशाना एकदम क्लियर है। चुनावी सियासत की ये स्टोरी बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला आजमाया हुआ है। मोदी को टारगेट करोगे तो सियासत चमकेगी, यकीन ना हो तो सैंपल देख लें, एक नहीं 5-5 सैंपल। मौलाना नंबर 1 बदरुद्दीन अजमत। मौलाना नंबर 2 मौलाना सादिक खान रिजवी। तुम फजर नहीं पढ़ते इसमें भी अमेरिका का हाथ है, तुम फजर नहीं पढ़ते इसमें भी मोदी का हाथ है, किसका हाथ है इसके पीछे। मौलाना नंबर 3 मौलाना सिदकुल्ला शेख। RSS এর যে চক্রান্তের বেড়াজালে রেখেছিল, প্রথম থেকে তাদের স্বপ্ন ছিল ভারত ছাড়ো না হলে কোরআন ছাড়ো। দ্বিতীয় নম্বরে আর একটা স্লোগান ছিল, মুরব্বীরা ভুলে গেছেন কিনা জানি না, এই দেশে মুসলমানদের ভোট অধিকার কেড়ে নেব। মৌলানা নাম্বার 4 মৌলানা সাইফুল্লাহ চতুর্বেদী। আগর ইসলাম তলোয়ার কি আধার পর ফেলতা, খুদা কি কসম তুম তো দূর কি বাত, 850 সাল মুসলমানো নে হুকুমত কি, খুদা কি কসম কোই হিন্দু নজর নহি আতা। মৌলানা নম্বর 5 মৌলানা আজমতুল্লাহ খান। 70,000 কাফিরো নে উনকে হাত মে ইসলাম কবুল কিয়া থা। चुनाव के दौरान असम और बंगाल के लोगों को जहरीले भाषणों से भड़काने का खेल शुरू हो चुका है। ये मौलाना नफरत से वोटों की खेती करना चाहते हैं। हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने आज इन मौलानाओं का पूरा कच्चा चिट्ठा ढूंढ निकाला है। ये वीडियो कब के हैं, कितने पुराने हैं, कहां के हैं, किस मौलाना की चुनाव में क्या पोजीशन है, असम और बंगाल की पॉलिटिक्स में मौलानाओं का कितना दबदबा है, ये सब आपको बताएंगे। अब सबसे पहले जरा असम की रीजनल पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल के इस वीडियो पर गौर कीजिए। ये वीडियो आजकल असम के हर वोटर के मोबाइल पर वायरल हो रहा है। मुसलमानों का एक मुश्त वोट बैंक अपने सियासी अकाउंट में डालने के लिए मौलाना ने अंग्रेजों और मुगलों की जमकर तरफदारी की है और मोदी के खिलाफ नफरत फैलाई है। ইসলামিক রাষ্ট্র যদি ওরা চিন্তা করতো 800 বরসের মাঝে উদয় ভারতবর্ষ কোন একজনও হিন্দু মানুষ থাকতো না, সব রে মুসলমান বানিয়ে বানাইছে নাকি তারপরে দেশ আজাদ হওয়ার পরে আজকে 70 বরসের মধ্যে 55 বরস কংগ্রেসের রাজত্ব করলো। জওয়াহরলাল নেহরু থেকে নিয়া শাস্ত্রী থেকে নিয়া রাজীব গান্ধী পর্যন্ত, মনমোহন সিং পর্যন্ত, নরসিংহরাও পর্যন্ত কোন একজন কংগ্রেসের লিডারে এই স্বপ্ন দেখে নাই বলে ভারতবর্ষের আমরা হিন্দু রাষ্ট্র বানি বলে মোদিজি এ স্বপ্ন মত দেখিয়ে, আপনার স্বপ্ন ঝুটা হয়ে যায়গা। सुना आपने, मौलाना बदरुद्दीन अजमल देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नफरत और मुगलों और अंग्रेजों पर ममता लुटा रहे हैं। हमने इस वीडियो और ऑडियो की पूरी इन्वेस्टिगेशन की है। ये वीडियो बदरुद्दीन अजमल का ही है। हमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान बदरुद्दीन अजमल से भी बात की। बदरुद्दीन अजमल भले ही बयान पर सफाई दे रहे हो कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर वायरल करवाया जा रहा है, लेकिन वीडियो में उन्होंने जो कहा उस पर वो अब भी कायम है। उसके अंदर साफ मैंने बोला है, लोगों से पूछा है कि आसाम में जब डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा साहब ने मेरे ऊपर बार बार मुगल 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 होने का दावा किया, इल्जाम लगाया, तो मैंने ये कहा कि हिंदुस्तान में
मुगल 800 साल मुगलों ने हुकूमत की, क्या उन्होंने कभी भी इस्लामी राष्ट्र बनाने का सोचने का भी कोशिश किया कि नहीं किया? पब्लिक ने कहा, मैंने 3 मरतबा कहा, लोगों ने ये कहा कि नहीं किया। मुस्लिम इलाकों में अपनी लोकप्रियता के चलते ही बदरुद्दीन अजमल कॉन्फिडेंट हैं और उन्हें अपने नफरत फैलाने वाले टेपों पर कोई पछतावा नहीं, बल्कि वो इस पर और सफाई दे रहे हैं और कायम है। इस्लाम असम में दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। 2011 की जनगणना के मुताबिक असम में 1,06,70,000 मुसलमान हैं। असम में कुल 27% मुसलमान हैं। असम के 11 जिलों में मुस्लिम आबादी 50% को पार कर गई है। असम के बरपेटा जिले में 74.94% मुस्लिम आबादी है। असम के बोनगाई गांव जिले में 50.22% मुस्लिम आबादी है। असम के दारंग जिले में 64% मुसलमान आबादी है। असम के धोबरी में 73.49% मुस्लिम आबादी है। असम के गोलपारा में 57.52% मुस्लिम आबादी है। असम के होजई में 53% मुस्लिम आबादी है। असम के करीमगंज में 56% मुसलमान आबादी है। असम के मोरी गांव में 53% मुसलमान आबादी है। असम के साउथ सलमारा में 95% मुसलमान आबादी है। इन सभी मुस्लिम बहुल इलाकों में बदरुद्दीन अजमल का पूरा जलवा है। 2009 के लोकसभा चुनाव में बदरुद्दीन की पार्टी AIUDF को 16% वोट मिले। 2011 के विधानसभा चुनाव में AIUDF को 13% वोट मिले। 2014 के लोकसभा चुनाव में AIUDF को 15% वोट मिले। 2016 के विधानसभा चुनाव में AIUDF को 13% वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में AIUDF को मोदी लहर में भी 8% वोट मिले। अब देखिए, ये है मौलाना नंबर 2, मौलाना सादिक खान रिजवी। मौलाना सादिक खान रिजवी तकरीर देते देते अचानक मोदी के खिलाफ भड़क उठे। मजहबी मन से खुद को चमकाने के लिए मौलाना ने पहले तो मुसलमानों को जमकर डराया और फिर मोदी को भी अपने निशाने पर ले लिया। पश्चिम बंगाल के इस वीडियो की पूरी पड़ताल करेंगे, पहले जरा ये पूरा बयान सुनिए। आज जो मुसीबतें सर पे आके टूटी हैं, आज जो तुम्हें तुम्हारे ही मुल्क से निकालने के मंसूबे हैं, आज जो तुम्हारी तबाहियों बर्बादियों के सामान इकट्ठे किए जा रहे हैं, आज जो तुम्हें शहर बदर करने की साजिशें रची जा रही हैं, आज जो तुम्हारी आबरूएं लूटी जा रही हैं, आज जो तुम्हें दहशतगर्द कह कह कर जेलों में ठूंसा जा रहा है, आज जो तुम्हें बदनाम किया जाता है, इन सारी चीजों के पीछे क्या है? ऐ मुसलमानों, मैं पूछता हूं, कभी हमारी कौम के लोग कहते हैं इसके पीछे अमेरिका का हाथ है, कभी कहते हैं इसके पीछे इसराइल का हाथ है, कभी कहते इसके पीछे मुशरिकीन की साजिश है, कभी कहते इसके पीछे गवर्नमेंट की प्लानिंग है, कभी कहते कि फला इन्वॉल्व है, फला इन्वॉल्व है। मैं कहता हूं सुन्नियों, दिल पर हाथ रखकर जवाब दो, हर चीज के पीछे तुम कहते हो यहूदियों का हाथ है, ईसाइयों का हाथ है, अमेरिका का हाथ है, इसराइल का हाथ है। मैं तुमसे पूछता हूं, जरा बताओ, तुम रोजाना फजर की नमाज नहीं पढ़ते, इसके पीछे भला किसका हाथ है? तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। तुम फजर नहीं पढ़ते, इसमें भी अमेरिका का हाथ है। तुम फजर नहीं पढ़ते, इसमें भी मोदी का हाथ है। किसका हाथ है इसके पीछे? सबसे पहले हम इस वीडियो के असली सोर्स तक पहुंचे। ये वीडियो आस्क इस्लामिक मीडिया नाम के यूट्यूब चैनल से अपलोड किया गया है, जिसके 3,07,000 सब्सक्राइबर हैं। ये वीडियो 5 मार्च 2021 का है और इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही बताया गया है कि इसे पूर्व मेदिनीपुर में शूट किया गया है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में 16 विधानसभा सीटें हैं। 2016 में यहाँ की 13 सीटें ममता बनर्जी ने जीत ली थी। यहाँ पर 14.59% मुसलमान आबादी है और शायद इन्हीं मुसलमानों को उकसाने के लिए मौलाना जहरीले भाषण दे रहे हैं। मौलाना का क्लियर टारगेट है, मुसलमानों को भड़काओ और मोदी को हराओ। नफरत फैलाने वाले मौलानाओं की लिस्ट में एक बांग्ला भाषी मौलाना भी है। मौलाना नंबर 3, मौलाना सिदिकुल्ला शेख। मौलाना सिदिकुल्ला शेख का ये वीडियो दीनी टीवी नाम के एक यूट्यूब चैनल पर वायरल हो रहा है। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में ही लिखा है बर्धमान, यानी ये वीडियो पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले का हो सकता है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान जिले में करीब 20% मुस्लिम आबादी है। इसका मतलब कि जिन इलाकों में मुस्लिम आबादी 10-20% के आसपास है, वहां मौलाना लगातार एक्टिव हैं। इन इलाकों में मुसलमान वोटों का एक तरफा ध्रुवीकरण करने के लिए RSS और मोदी के खिलाफ मुसलमानों को खूब डराया जा रहा है। मुसलमान एकटा जिनिस स्पष्ट भावे जेने रेखे दें,
যে সরকার চলছে, যে রিমোট কন্ট্রোল চলছে, যে কন্ট্রোল চলছে, আরএসএস এর যে চক্রান্তের বেড়াজালে রেখেছিল, প্রথম থেকে তাদের স্বপ্ন ছিল ভারত ছাড়ো না হলে কোরআন ছাড়ো, দ্বিতীয় নম্বরে আর একটা স্লোগান ছিল, মুরব্বীরা ভুলে গেছেন কিনা জানি না, এই দেশে মুসলমানদের ভোট অধিকার কেড়ে নেব। এই বলেছিল ভোট অধিকার কেড়ে নেব, কিন্তু ডাইরেক্ট ভোট অধিকার কাটতে গেলে এত সহজ হতো না, একটা খুব সুকৌশলে এনআরসির একটা আইনের বেড়াজালে ফেলে এই দেশ থেকে মুসলিমদের ভোট অধিকার কেড়ে নেবে। এই চক্রান্তের একটা মাকড়সার মতন জাল তৈরি করেছে মুসলমান, তুমি যদি বুঝতে না পারো, তোমার যদি মেমোরি এখনো পর্যন্ত ড্যামেজ হয়ে থাকে, এখনো যদি ভাবনা না থাকে, মূল্যায়ন না থাকে, তুমি ভাবছো যে ওকে নিয়ে আসছো, প্রবাদ বাক্যে আমরা বলি খাল কেটে কুমির খাল কেটে কুমির আনবে না, এটাই তোমার জন্য বিপদের কারণ হবে। शायद मौलाना की पूरी कोशिश ये है कि जिन इलाकों में मुस्लिम वोटरों की आबादी निर्णायक नहीं है, वहां भी उनके वोट का ज्यादा से ज्यादा मोदी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। आइए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अभी अभी किसको धमकी दी, देखिए पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। सुरभि शर्मा, खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।